जब हम कहते हैं कि दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करना है, हमें सिनेमाघर लेके आना है, तो ऐसी फिल्मों की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। एक्चुअली ये जो फिल्म है ये बड़े पर्दे के लिए, इट इज मेंट फॉर द लार्जेस्ट स्क्रीन। हम अक्सर क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारी इंडियन फिल्मों के विजुअल इफेक्ट्स जो हैं, VFX हैं, जो वो वीडियो गेम की तरह लगते हैं, वो मज़ा नहीं आता है, वो फेक लगते हैं, हम हॉलीवुड फिल्मों के साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ देखिए, सोचिए क्या इमेजिनेशन है डायरेक्टर का। इतना ही कहूँगा, जिन्होंने फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखें, क्योंकि ये इंडियन सिनेमा एक कदम नहीं बल्कि 10 कदम आगे लेके जाती है। हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है मेरे साथ इंडिया के जाने माने फिल्म ट्रेड एनालिस्ट श्री तरण आदर्श। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फिल्मी फीवर में। बहुत ही बड़ी फिल्म रिलीज हुई इस साल की, कल की 2898 AD, और इस फिल्म ने सर धमाका कर दिया है बॉक्स ऑफिस पर, और बहुत सारे रिकॉर्ड्स को भी इसने निस्त नाबूद किया है। और अलग अलग जो विजुअल्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उसके साथ ये जो फिल्म है आगे बढ़ रही है और लोगों का दिल जीत रही है। क्या कहेंगे इस फिल्म को लेकर, आपको सबसे पहले बताइए कैसी लगी, उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से प्रदर्शन कर रही है बॉक्स ऑफिस पर। क्या कहेंगे सबसे पहले, आपको फिल्म कैसी लगी सर? थैंक यू रवि फॉर द वंडरफुल कॉन्वर्सेशन दैट वी आर अबाउट टू हैव। मैं कहना चाहूंगा कि मुझे फिल्म बेहद पसंद आई, बहुत पसंद आई मुझे। और मैं ये यहाँ पर एक और बात स्पष्ट कर दूं कि मैं बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन लेकर गया था फिल्म देखने के लिए। और क्योंकि मुझे ये जाहिर सी बात है, जब ऐसी स्टारकास्ट साथ में आ रही हो, अमिताभ बच्चन, प्रभास, कमल हासन, दीपिका पादुकोण, तो उम्मीदें 10 गुना बढ़ जाती है। और जब आप सुनते हैं, बार बार सुनते हैं कि इस पे 500 करोड़, 600 करोड़, 650 करोड़, जो भी राशि इस पे खर्च की गई है, जब इतना इतना खर्च किया जाता है, तो आपकी उम्मीदें यही होती कि भाई क्या वो पर्दे पर ऐसा क्या दिखाने वाले हैं जिससे हम चकित रह जाएंगे। बहरहाल, कमिंग टू योर क्वेश्चन, मुझे पिक्चर बहुत अच्छी लगी। पहला भाग उतना पसंद नहीं आएगा, इतना पसंद नहीं आया। शुरुआत के पहले कुछ हिस्से बहुत अच्छे लगे, बीच में थोड़ी कॉमेडी मुझे लगा कि कमजोर पड़ती है, आवश्यकता नहीं थी। इंटरवल से पहले अगेन रफ्तार पकड़ती है, पर इंटरवल के बाद एंड तक, क्लाइमैक्स तक, और मतलब क्लाइमैक्स जिन्होंने नहीं देखी तो मैं बताना नहीं चाहूंगा, बट हाँ, एक दूसरा भाग की उन्होंने घोषणा कर दी है। बट जो दूसरा भाग है वो मैं कहूंगा रॉकेट है, वो एक मिसाइल की तरह दौड़ता है, और जो एक के बाद एक एपिसोड दर्शाए गए हैं बड़े पर्दे पर, आप मैं कहूंगा आई वॉज ऑस्ट्रक कम्प्लीटली, क्योंकि हिंदी सिनेमा के पर्दे पर मैंने इतने खूबसूरती से कई दृश्यों को नहीं देखा जितना इस फिल्म में देखा है। और ये एक बहुत बड़ी जीत है इस फिल्म की और उस निर्देशक की, और जिस तरह से उन्होंने कहानी कही है, और कहानी कहने के साथ साथ जिस तरह से उन्होंने माइथोलॉजी के साथ साथ एट द सेम टाइम जो VFX पिरोए हैं जी, महाभारत का जो पूरा एपिसोड है, जिन्होंने फिल्म नहीं देखी तो मैं ज्यादा रिवील नहीं करना चाहूंगा, नहीं तो उनका उनका मजा किरकिरा हो जाएगा, वो पर्दे पर उतना उतनी वो कहते हैं ना, स्पॉइलर आ जाते हैं तो फिर वो मजा नहीं रहता फिल्म देखने का। तो आप फिल्म देखिए और सेकेंड हाफ में आप खुद स्वयं कहेंगे कि वाह, कमाल का जो बताया गया है पर्दे पर वो लाजवाब है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसने एक एक हिसाब से कह सकते हैं बेंचमार्क भी सेट कर दिया है सर, क्योंकि हम अक्सर कहा करते हैं, पर काफी शिकायत होती है हम भारतीय दर्शकों की, कि वर्ल्ड सिनेमा में जिस हिसाब से, जिस स्केल के साथ फिल्में बनाई जा रही हैं, उस स्केल के हिसाब से हम क्यों नहीं फिल्म बना रहे हैं। अब हमने बना है, लेकिन क्या उस बेंचमार्क को हम टक्कर दे रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। मैं कहूंगा कि ये तो शुरुआत है, और इससे क्या, जब ऐसी फिल्में बनती है तो नए द्वार खुल जाते हैं, नए दरवाजे खुल जाते हैं, नए रास्ते नजर आते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ वो कहते हैं ना कि ड्रीम करना है, और अगर आप सच्ची एकदम सच्चाई से, ईमानदारी से किसी फिल्म के प्रति या किसी सब्जेक्ट के प्रति काम करेंगे तो रिजल्ट मिलना आवश्यक है। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी स्टारकास्ट, अमिताभ बच्चन जी, कमल हासन जी, प्रभास, दीपिका पादुकोण, इन्हें इकट्ठा करना, एक ही साथ में एक ही फिल्म में लेकर आना, इसी यही एक बहुत बड़ी जीत है। और उनके साथ फिर इंसाफ करना, ये एक बहुत बड़ा कठिन कार्य है। और इस फिल्म में कमल हासन
जी का जो कैरेक्टर है वो आप खैर बाद में रिवील होता है होगा, दूसरे भाग में उनकी काफी कुछ बताया जाएगा, बट जो फर्स्ट हाफ में फर्स्ट भाग में भी जो जो पिक्चर लगी है उसमें उनका जो कैरेक्टर की एक झलक नजर आ जाती है और कुछ दृश्य नजर आ जाते हैं जिससे पता चलता है कि वो किस तरह के मनुष्य हैं। दूसरी ओर अमिताभ बच्चन जी, जी क्या कहने, मैं क्या कहूं, मैंने उनका दौर 1970s में देखा है, 1980s में देखा है, और आज 2024 में भी वो बिल्कुल बुलंदियों पर खड़े हैं। उनको जब शहंशाह कहा जाता है तो सही मानों में वो शहंशाह ही हैं, और जिस तरह से उन्होंने दृश्य किए हैं, जिस तरह से अपने पात्र को निभाया है, अमिताभ बच्चन साहब के अलावा और कोई ये पात्र नहीं निभा सकता था, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। दीपिका पादुकोण, वेरी वेरी गुड। सेकेंड पार्ट में जब दीपिका का जो पात्र नजर आएगा वो ये पहले पार्ट में उन्होंने पूरा ग्राउंड सेट किया है। प्रभास, मुझे आदिपुरुष में बिल्कुल पसंद नहीं आए थे, आपके साथ मेरा जो इंटरव्यू किया था मैंने वो वायरल भी हो गया था और आज तक उसके डिस्कशन चलते हैं, बट यहाँ कहना चाहूंगा रवि के जो प्रभास ने दूसरे भाग में अब वो क्या काम किया है वो आप पर्दे पर देखिए, पर जो दूसरे भाग में काम किया है और जो उनके जो सीन्स हैं अमिताभ बच्चन के साथ, दो एक्शन पीसेस हैं, मैं कहूंगा वो पैसा वसूल एंटरटेनमेंट का जो फ्रेज है वो इन दो दृश्यों के लिए लागू होता है। इतना ही कहूंगा, जिन्होंने फिल्म नहीं देखी तो जरूर देखें, क्योंकि ये इंडियन सिनेमा को एक कदम नहीं बल्कि 10 कदम आगे लेके जाती है, और VFX कितने खूबसूरती से पिरोए गए हैं, और एट द सेम टाइम मैं कहूंगा कि एक जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही अलग है, ये कोई घिसा पिटा मसाला फिल्म नहीं देख रहे हैं आप कि एक मुक्का मारा तो 10 लोग उड़ रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मसाला फिल्मों को देखकर मैं भी बड़ा हुआ हूँ, मेरे बचपन से मैंने 70s से देखी है, बट यहाँ कहना चाहूंगा कि ये जो एक दुनिया बताई गई है जी सर, अलग ही दुनिया है, और सोचिए क्या इमेजिनेशन है डायरेक्टर का, क्या लिखाई है, क्या सोचा होगा, क्योंकि जब उन्होंने इस फिल्म की कल्पना की थी और जब फिल्म रिलीज हुई है तो उसमें अंतर है, पर आज वो फिल्म उतनी ही फ्रेश लगती है, और जो सेकंड पार्ट आएगा उसे तो सोचिए उम्मीदें कितनी बढ़ जाती है। तो कैसे उन्होंने काम किया होगा एक एक फिल्म को बनाने में कि भाई ये 3 साल बाद या 4 साल बाद या 2 साल बाद तक जब फिल्म लगेगी या रिलीज होगी तो उस वक्त की सोच के हिसाब से आपने इस फिल्म में सीन्स पिरोए, वो सीक्वेंसेस पिरोए गए हैं, वो डायलॉग रखे गए हैं और खूबसूरत लगते हैं। हाँ, इसमें कुछ बातें मुझे निराशाजनक भी लगी, जैसे कि मैंने कहा मुझे कॉमेडी फर्स्ट हाफ में बिल्कुल पसंद नहीं आई, और इसमें म्यूजिक बेहतर हो सकता था जी, म्यूजिक की कमी मुझे महसूस हुई। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक दिशा पटनी का पात्र है, क्यों है, किस लिए है, पता ही नहीं चलता, तो ऐसे पात्रों की आवश्यकता थी भी नहीं पिक्चर में, ना ही वो ऐड करते हैं इस फिल्म को में कुछ एक्स्ट्रा, बोलते हैं ना कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐड होती है, नॉट एट ऑल। आप ये फिल्म देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों के लिए, अमिताभ बच्चन साहब, कमल हासन साहब, प्रभास एंड दीपिका पादुकोण, 5वां कोई नहीं है, और इनको चारों को देखते 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 आप बस इनकी तरफ से आप इनको ही देखते रहते हैं, किसी और पे नजर नहीं पड़ती। हाँ, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं पिक्चर में, बट ये 4 जो पात्र हैं और जो कलाकार हैं, क्या कहने। नाग अश्विन की मैं बात करूं, सिर्फ और सिर्फ 3री फिल्म है सर इनकी, और इतने भारी स्केल पर इन्होंने फिल्म बनाई है और प्रोड्यूसर्स ने भी उन पर यकीन किया है। जी हम देखिए, ये है उनका होम प्रोडक्शन ही है, बट यू नो हैविंग सेड दैट आई फील आप में वो काबिलियत होनी चाहिए, आप में वो हुनर होना चाहिए कि आपके घर वाले ही आपको कहें कि यस हम इतना पैसा लगाने को तैयार हैं जी। जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो उनके घर वाले हैं, मेंबर्स हैं जिन्होंने फिल्म बनाई है, मैं कहूँगा कि उन्हें फुल मार्क्स जाता है, फुल मार्क्स नहीं डिस्टिंक्शन मार्क्स जाता है कि उन्होंने ऐसे सब्जेक्ट पे इतना पैसा करोड़ों 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 रुपए लगाने की हिम्मत की साहस किया। एट द सेम टाइम जो डायरेक्टर हैं, मैं
इनकी अगर आप पिछली फिल्में भी देखेंगे, बहुत महानती। हाँ जी, मेरे ख्याल से, मेरी व्यक्तिगत राय में वो एक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मैंने देखी है। एक बायोपिक किस तरह बनाई जाती है, एक किस तरह से इमोशंस पोर्ट्रे किए जाते हैं और दर्शकों को दिखाया जाता है, दर्शकों के सामने रखा जाता है, उस दौर को कैसे इन्होंने रिक्रिएट किया उस फिल्म में, आप वो जरूर देखिएगा जिन्होंने नहीं देखी हो। तो उस डायरेक्टर की पहचान उस फिल्म से नजर आती है, मैच्योरिटी नजर आती है। और जाहिर सी बात है, जब वो अब कालकी डायरेक्ट करते हैं तो वो एक कदम नहीं बल्कि 100 कदम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस तरह का सब्जेक्ट सोचना, विजुअल इफेक्ट्स, हम अक्सर क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारी इंडियन फिल्मों के विजुअल इफेक्ट्स जो हैं, VFX हैं, जो वो वीडियो गेम की तरह लगते हैं, वो मज़ा नहीं आता है, वो फेक लगते हैं, हम हॉलीवुड फिल्मों के साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ देखिए 1/10 नहीं, 100 मतलब एक्सपेंडिचर में, खर्चे पे उन्होंने ये रिजल्ट दिए हैं। जी जी जी। और मतलब हॉलीवुड में तो खैर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जाते हैं VFX पे, यहाँ पर तो खैर उनका तो खैर बहुत ज्यादा बजट है, हमारा तो उतना बजट भी नहीं होगा इस फिल्म में, है बट उतना नहीं जितना कि एक हॉलीवुड फिल्म में होता है, बट उसके बावजूद जो आउटपुट है वो कंपेरेबल विद एनी हॉलीवुड फिल्म। इट्स सो ब्यूटिफुल, इट्स सो नाइस। और VFX की पहचान वही होती है कि सडनली लगना नहीं चाहिए कि आप कोई सडनली ये VFX आ गए, नो वो सीक्वेंसेस में बहुत सीमलेसली पिरोए जाने चाहिए, बहुत एफर्टलेसली पिरोए जाने चाहिए, लगना चाहिए कि यस ये एक हिस्सा है उस पर्टिकुलर दृश्य का या उस पर्टिकुलर कहानी का या उस पर्टिकुलर एपिसोड का, और वही नजर आता है इस फिल्म में। और जो जिस तरह से कई दृश्य बताए गए हैं, दर्शाए गए हैं बड़े पर्दे पर, ये एक्चुअली ये जो फिल्म है ये बड़े पर्दे के लिए, इट इज मेंट फॉर द लार्जेस्ट स्क्रीन। आप इसे छोटे स्क्रीन पे देखेंगे या वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बनी ही बड़े पर्दे के लिए है। जब हम कहते हैं कि दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करना है, हमें सिनेमाघर लेके आना है, तो ऐसी फिल्मों की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसी फिल्में बनाएं जिसे देखने के लिए दर्शकों को सिनेमाघर ही आना पड़ेगा। कई फिल्मों को हम कह देते हैं इसे OTT पे आ जाना चाहिए, इसे डिजिटल रूट ले लेना चाहिए, नहीं, ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ सिनेमाघरों के लिए बनाई गई।